ईद के दिन भी फराइज की अंजामदही में मसरूफ जवानों का हौसला बढ़ाने सिपाही सालार लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंच गए। कहा दिफाई बजट में सालाना इजाफा ना लेने का फैसला कौम पर एहसान नहीं। दूसरी तरफ बजट कटौती के हवाले से झूठे तज्जियों पर DGISPR ने भारतीय मीडिया को जाली करार दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद LOC पर जवानों के साथ गुजारी। आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर मामूर जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। अमन, कौमी सलामती और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। आर्मी चीफ के मुताबिक दिफाई बजट में सालाना इजाफा न लेने का फैसला कौम पर कोई एहसान नहीं किया गया। ये इकदाम हर किस्म के हालात में यकजहती के अज़्म का अयादा है। बजट कटौती को दिफाई सलाहियत पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। बजट कटौती सिपाहियों के मयारी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होगी। तनख्वाह में इजाफा न लेने का फैसला सिर्फ ऑफिसर्स का है, जवानों पर इसका इतलाक नहीं होगा। बजट कटौती को दिफाई सलाहियत और जवानों के मयारी जिंदगी पर असरअंदाज किए बगैर आने वाले माली साल में दीगर अमूर में एडजस्टमेंट से पूरा किया जाएगा। उधर DGISPR के मुताबिक भारतीय जाली मीडिया दिफाई बजट पर मर्जी के तज्जिये कर रहा है। भारत ना भूले, ये वही फौज है जिनसे 27 फरवरी को सामना हुआ था। पाक फौज के पास भरपूर सलाहियत है कि वो जवाब दे सकते हैं। पाक फौज की ताकत बजट नहीं, उसका अज़्म और कौम की हिमायत है। पाकिस्तानी कौम मुसल्ला अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ईद उल फितर के मौके पर पंजाब की सरहद पर मिठाइयों का तबादला किया गया। भारतीय फौजी अफसरान ने जवानों के साथ मिलकर ईद मनाई और एक दूसरे को मोहब्बतों से नवाजा। अगरचे दरमियान में सरहद है, मगर ईद के मौके पर यह मोहब्बत भरा अंदाज खित्ते में अमन की नई उम्मीदें बनकर सामने आया। पाक फजाई के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने भी ईद जवानों के साथ गुजारी। उन्होंने ऑपरेशनल बेस का दौरा किया और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी भी ईद जवानों के साथ मनाने समंदर में बहरी जहाज के दौरे पर पहुंचे। पाक फजाइया के सरबराह जवानों की हिम्मत और हौसला बढ़ाने ईद के दिन ऑपरेशनल बेस पर पहुंचे। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। एयर चीफ ने ड्यूटी पर मौजूद अमले के जज्बे और फर्ज शनासी की तारीफ की। उन्होंने मादरे वतन की खातिर अपने प्यारों से दूर ईद मनाने वाले अफसरों और जवानों के अज़्म को सराहा। उधर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने ईद के दिन खुले समंदर में पाक बहरिया के जंगी जहाज का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने जहाज पर तैनात अफसरों और जवानों को ईद की मुबारकबाद दी और उनके बुलंद जज्बे को सराहा। इस मौके पर नेवल चीफ का कहना था कि ईद के मौके पर दिफाए वतन की खातिर अपने प्यारों से दूर खुले समंदर में ईद मनाने वाले कौम का फख्र है। दिफाए वतन के मुकद्दस फरीजे को ज़ाती खुशियों पर मुकद्दम रखना पाक बहरिया की रिवायत रही है। पाक बहरिया हर किस्म के हालात में मुल्क की समंदरी सरहदों की हिफाजत और दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने एक ऑपरेशन का दौरा किया है। एयर चीफ ने वहां तैनात अमले के साथ नमाज ईद अदा की। ईद के इज्तिमा में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। एयर चीफ ने ड्यूटी पर मौजूद फजाई और जमीनी अमले के जज्बे और फर्ज शनासी की तारीफ भी की। उन्होंने मादरे वतन की खातिर अपने प्यारों से दूर ईद मनाने वाले अफसरों और जवानों के अज़्म को सराहा। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने एक ऑपरेशन का दौरा किया है। एयर चीफ ने वहां तैनात अमले के साथ नमाज ईद अदा की। ईद के इज्तिमा में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। एयर चीफ ने ड्यूटी पर मौजूद फजाई और जमीनी अमले के जज्बे और फर्ज शनासी की तारीफ भी की। उन्होंने मादरे वतन की खातिर अपने प्यारों से दूर ईद मनाने वाले अफसरों और जवानों के अज़्म को सराहा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने ईद के दिन खुले समंदर में पाक बहरिया के जंगी जहाज का दौरा किया,
ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے جہاز پر تعینات افسران اور جوانوں کو عید کی مبارکباد دی اور ان کے بلند جذبے کو سراہا۔ اس موقع پر نیول چیف کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر دفاع وطن کی خاطر اپنے پیاروں سے دور کھلے سمندر میں عید منانے والے قوم کا فخر ہیں۔ دفاع وطن کے مقدس فریضے کو ذاتی خوشیوں پر مقدم رکھنا پاک بحریہ کی روایت رہی ہے۔ پاک بحریہ ہر قسم کے حالات میں ملکی سمندری سرحدوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل ظفر محمود عباسی نے عید کے دن کھلے سمندر میں پاک بحریہ کے جنگی جہاز کا دورہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے جہاز پر تعینات افسران اور جوانوں کو عید کی مبارکباد دی اور ان کے بلند جذبے کو سراہا۔ اس موقع پر نیول چیف کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر دفاع وطن کی خاطر اپنے پیاروں سے دور کھلے سمندر میں عید منانے والے قوم کا فخر ہیں۔ دفاع وطن کے مقدس فریضے کو ذاتی خوشیوں پر مقدم رکھنا پاک بحریہ کی روایت رہی ہے۔ پاک بحریہ ہر قسم کے حالات میں ملکی سمندری سرحدوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سٹاک ایکسچینج کی اگر بات کریں تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، عید الفطر کے موقع پر پنجاب کی سرحد پر مٹھائیوں کی بات کرتے ہیں، تبادلہ مٹھائیوں کا کیا گیا ہے۔ بھارتی فوجی افسروں نے رینجرز کے جوانوں کے ساتھ مل کر عید بھی منائی اور ایک دوسرے کو محبتوں سے بھی نوازا۔ جی بالکل، اگرچہ درمیان میں سرحد ہے مگر عید کے موقع پر یہ محبت بھرا انداز خطے میں امن کی نئی امید بن کر سامنے آیا ہے۔ کلات کرو کرتے ہیں جہاں عید کے موقع پر شہر کے مختلف علاقوں میں لوگ انڈے لڑاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سلسلہ 3 سے 5 روز تک چلتا رہتا ہے۔ اس انوکھے کھیل کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کلات میں عید کے موقع پر شہر کے مختلف علاقوں میں لوگ مجمع لگا کر انڈے لڑانے کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اس کھیل میں دو آدمی انڈے لڑاتے ہیں۔ انڈا لڑانے سے پہلے ایک دوسرے کے انڈے کو دانتوں سے لگا کر اس کے سخت ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جس کا انڈا ٹوٹ جاتا ہے وہ کھیل ہار جاتا ہے۔
जीतने वाला वो अंडा ले जाता है, इसे टूटे हुए अंडे को आधी कीमत पर फरोख्त किया जाता है जो कि उबला हुआ होता है और लोग इसे आधी कीमत में खरीद कर शौक से खाते हैं। शहरियों का कहना है ईद के दिनों में जो लोग काम से फारिग होते हैं वो अंडे लड़ाने का खेल खेल कर अपना शौक पूरा करते हैं। कलात में ईद उल फितर के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी अंडा लड़ाते हैं और ईद की खुशियाँ मनाते हैं। ईद के पहले रोज शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। इस वक्त साहिल समंदर पर पश्तून रवायती रक्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसी हवाले से बता रहे हैं अली रजा। जी अली, बिल्कुल ईद के पहले रोज साहिल समंदर पर पश्तून रवायती डांस जो है वो किया जा रहा है। एक मुख्तलिफ अंदाज अगर कैमरामैन दिखाए ये मुख्तलिफ नौजवान है जो यहाँ पर मौजूद है और इनका रक्स और इस रिवायती डांस को देखने के लिए जो है बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और बड़े अंदाज का जो है स्पीकर लगाए हुए इंतजाम जो है वो भरपूर है और हम ये चाहेंगे कि इनको देखकर इनके रिवायती जो रक्स कर रहे हैं उसके अंदर कुछ हम भी स्टेप कर सकें और सीख सकें कि वो किस तरह जो है वो कर रहे हैं और आप लोग भी इंजॉय करें इसी ईद को, खुशियाँ बांटे तमाम की तमाम। ठीक है अली, शुक्रिया आपका। उधर को लखपत जेल में लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया गया। पीआईसी के डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया। जेल सुपरिटेंडेंट ने नवाज शरीफ के चेकअप की दरख्वास्त की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कोट लखपत जेल लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया गया है। पीआईसी के डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया जबकि जेल सुपरिटेंडेंट ने नवाज शरीफ के चेकअप की दरख्वास्त की थी। वजी